तो अभी रेडी हो रहे हैं जी मेहंदी के फंक्शन के लिए। हाँ बजे आ चुके हैं, मेहंदी बजाने की तैयारी है। इस वक्त हम सब इकट्ठे हो चुके हैं और शुगर मेला स्टार्ट हो गया है। तो ओमान वाले आए लाहौर और अब लाहौर से करेंगे सैलो सियाहत। नहीं, इनफैक्ट पहले तो शादी अटेंड, फिर सैलो सियाहत। इस वक्त हमने कजन्स ने प्लान किया कि हम बस में एक साथ बैठेंगे और शुगर मेला ऑन रखेंगे। ये हम वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। ये है रमादा होटल, यहाँ होगी मेहंदी और निकाह। डिटेल व्लॉग नहीं होगा क्योंकि मैं साथ साथ फंक्शन भी एंजॉय कर रही हूँ। आई लव पाकिस्तानी वेडिंग। अभी मेरे पास तो है जी मेरा भतीजा और इसको संभाल रही हूँ। ये सब अभी फोटो सेशन कर रहे हैं अपना। मैं भी अभी करती हूँ जाके। वेलकम की तैयारी कर रही हैं। हमारी दुल्हन आ चुकी है और हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं वेलकम की। और ये जी हमारी तैयारी हो चुकी है, साथ साथ शूट भी होता जा रहा है और मुझे भी जैसे जैसे मौका मिल रहा है मैं भी क्लिप्स बना रही हूँ। अब निकाह का वक्त हुआ जाता है। माशाल्लाह से निकाह हो चुका है और अब ये विद बांटी जा रही है। पाकिस्तानी ढोल, पाकिस्तानी भंगड़ा। आई एम एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। मेरी थकावट इस वक्त मुझे भूली पड़ी है। अब जी हमारी मेहंदी की रस्म होने जा रही है। हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, सारी चीज़ें लग चुकी हैं। लेट्स गो। तो इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा है और अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि सुबह बारात है। तो जी मेहंदी हो गई खत्म और अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा थक गए बिकॉज हेक्टिक डे था यार। एयरपोर्ट से आए और आते तैयारी शुरू कर दी और फिर निकल पड़े मेहंदी अटेंड करने। और अब हमने यार सुबह फिर सेहरा बंदी भी, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है, उसके बाद जी बारात लेके जानी है। सो ये 3-4 डेज तो हम लोग जो है ना बस ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे शादी को और थक भी जाएंगे बहुत सारा। जैन जो है ना बहुत सारा पतला हो गया है। आप लोग इनसे मिल चुके हैं पहले भी खरीफ सीजन में, यूएई से आया था। हम कौन से मोटे हैं यार, हम भी तो पतला ही है। तू अभी छोटा ही है इसलिए। शादियों का रौनक मिला है। अब जी सबने मतलब स्टे करना है और हम लोग रात में गपशप करेंगे, स्नैक्स ऑर्डर करेंगे और सुबह की तैयारी करेंगे। शादियों की रौनकें कुछ ऐसी होती हैं, लेट नाइट तक जागना। कल मैं इतना ज़्यादा टायर्ड थी लेकिन स्टिल गपशप हलागुल्ला यही चलता रहा है। और अभी अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोग को उठा दिया गया है कि आप लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ बिकॉज मॉर्निंग का इवेंट है। तो हम लोग अभी जी रेडी होकर सहरा बंदी के लिए जाएंगे, देन आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने हॉल में जाना है। सो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। तो ये हमारी फाइनल लुक है बारात डे की। अभी हम बारात डे जा रहे हैं, यहाँ चहल पहल है, इसलिए ब्लॉग शूट करना इंतहाई मुश्किल काम है। और जैसे जैसे मौका मिल रहा है तो मैं क्लिप्स अपने रिकॉर्ड कर रही हूँ।
अब हम लोग यहाँ बारात देखने ये वो नहर है लाहौर की किनार रोड। आजकल हर कोई शूट के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। अभी दूल्हे की एंट्री शूट हो रही है और लड़की वाले अब हमारा जी वेलकम करने के लिए रेडी हैं और अब हम लोग जो हैं हॉल की तरफ आ चुके हैं। ये आज का वेन्यू है, ये आप हॉल देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन हॉल है। इसका नाम है गोरमे। दुल्हे के दोस्तों ने कजन्स ने परफॉर्मेंस रेडी की है, उस पर ये डिस्कशन हो रही है। अब जी दुल्हा दुल्हन की एंट्रेंस है। मैं स्टेज के पास खड़ी हूँ इसलिए मेरा थोड़ा डिस्टेंट क्लिप बना है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे, आमीन। फूड भी ऑलमोस्ट रेडी है और हमें सर्व हो चुका हुआ है। इवेंट के बाद हम लोग का इरादा बना कि हम लोग ज़रा कुछ रिलेटिव से मिल लें, तो हम लोग उधर की तरफ चले गए। ये है जी बिजी लाहौर। एक साथ इवेंट होने की वजह से काफ़ी एग्जर्शन होती है, मुझे बहुत नींद भी आ रही है, तबीयत भी थोड़ी सी अवसर होती जा रही है। यार वैसे शादी के फंक्शंस अटेंड करते भी बंदा थक जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं ट्रैवल की वजह से ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। अभी तो बारात के फंक्शन से आए हैं तो खलास तवाना, मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ ताकि फिर जो है कज़न्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड हो सके, गपशप शुगल मेला हो जाए। कौन सा ये रौनकें बार बार होती हैं, ये तो कभी कभार शादी सीज़न होता है तब हो जाती है मुलाकातें। सो लेट्स सी। तो आज है डे 3 और हम रेडी हो चुके हैं और अभी हॉल में भी आ चुके हैं। ये है डे, चलते हैं। वैसे तो फीवर था पूरा दिन, अभी पेट्रोल ले के आए हैं ताकि हम रिसेप्शन इंजॉय कर लें। ये है जी हॉल। ये पाकिस्तानी शादी, दुल्हा दुल्हन की एंट्रेंस से पहले हम लोग पंजाब की शादी 10 बजे तक ही हो सकती है। उसके बाद खाना सर्व होना था, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ये भांगड़ा की तैयारी, टाइम टू टाइम आपको में खाना भी सर्व हो चुका हुआ है। शादियों के बाद यही चीज़ रहती है कि कौन सा इवेंट कैसा था, कौन कौन शामिल हुआ, किसका कैसा बिहेवियर था, और ये सब सभी फैमिलीज़ में हो रहा होता है। मेरा तो खैर ये शादी का इवेंट बीमारी में गुजरा, मुझे बार बार फीवर हो रहा था इसलिए पैनाडोल ने बहुत सहारा दिया, 2 गोली पैनाडोल लो, टेम्परेचर लो होगा, उसके बाद जो है इवेंट अटेंड कर लो, वापस घर आओ तो फिर टेम्परेचर अपनी जगह पर पहुंचा होता। तो यही जारी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा सा गुजर गया इवेंट और अल्लाह ताला कपल को खुश रखे, आमीन।